बहराइच से वाराणसी तक जाने के लिए ढंग का कोई साधन नहीं था, बस की भी कोई टाइमिंग नहीं थी, जिस पर जिले वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिस पर ट्रेन के संचालन की अत्यंत आवश्यकता दिखती थी। जनपद वासियों की आवश्यकताओं को देखते हुए बहराइच के सांसद अक्षयबर लाल गौर ने एक प्रयास जारी किया, जो कि उनका प्रयास सार्थक हुआ और नगर वासियों के चेहरों पर मुस्कान दिखी। बहराइच से काशी तक जाने के लिए ट्रेन का संचालन सुबह 5:15 पर सांसद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मौके पर विधायक सुभाष त्रिपाठी, MLC प्रज्ञा त्रिपाठी एवं रेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। रेल विभाग के सूत्रों के हिसाब से 147 जनरल और 19 सीट रिजर्वेशन बहराइच से वाराणसी की टिकट की बिक्री हुई है। बहराइच के लोगों के लिए आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज आप देख रहे हैं कि जैसा कि ऐतिहासिक पल पर यहाँ पर कितने सारे बहराइचवासी उत्साह के साथ यहाँ रेलवे स्टेशन पर जुटे और बहुत सारे लोगों ने आज प्रथम यात्री के रूप में बहराइच से लेकर के वाराणसी तक की आज यात्रा भी कर रहे हैं। और आगे अभी जैसे कि हमें रेलवे प्रशासन की ओर से सूचना मिली है कि आगे 30 तारीख तक यहाँ पर ट्रेन में जगह जो है नियुक्ति बता रहा है। आप देख रहे थे कि अभी तक बहराइच से लंबी दूरी के लिए कोई भी ट्रेन नहीं। जनता के आग्रह पर और यहाँ के स्थानीय जागरूक नागरिकों के सहयोग से माननीय सांसद जी ने काफ़ी संघर्ष किया इसके लिए और कई महीने पहले ही यह ट्रेन शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से ट्रेन का संचालन नहीं हो पा रहा था। माननीय रेल मंत्री जी से बात करके और प्रधान प्रबंधक गौरव जी से बात करके आज की तिथि निश्चित हुई थी कि 22 तारीख को जो गोंडा वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन थी उसका विस्तार करते हुए बहराइच से लेकर के और वाराणसी तक ट्रेन आज चलाई जा रही है। आगे भी और भी मुख्य धारा से जुड़े शहरों से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया आप लोगों के द्वारा की गई? बिल्कुल, इसके लिए भी माननीय रेल मंत्री जी को पत्र दिया जा चुका है, इसके लिए प्रयास जारी है। सर ये व्यवस्था तो देखिए, ये तो सांसद जी बहुत पहले से प्रयास कर रहे थे गाड़ी को चलाने के लिए और क्षेत्र की जनता की भी काफ़ी डिमांड थी, तो फिर रेलवे बोर्ड ने इनके आग्रह को स्वीकार किया और ये महसूस किया गया कि हाँ इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ के ट्रेन के चलने की वजह से यहाँ के क्षेत्र की जनता को काफ़ी फायदा होगा, क्षेत्र का विकास भी होगा। अतः उसी के मद्देनजर ये सारी व्यवस्था की गई है और आज ये गाड़ी।